सुपरस्टार रजनीकांत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनकी फिल्म में एंट्री से सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, ऐसी ही धमाकेदार एंट्री थलाइवा ने उत्तर प्रदेश में ली। उत्तर प्रदेश यानी कि अवध, जब रजनीकांत पहुंचे उस दौरान उन्होंने सीएम योगी से मिलकर कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल रजनीकांत लखनऊ गए, लखनऊ पहुंचकर उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। दिलचस्प बात तो यह है कि रजनीकांत जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे उन्होंने तुरंत सीएम योगी के पैर छू लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रजनीकांत का लखनऊ आना, सीएम योगी से मिलना, सीएम योगी के पैर छूना, ये तमाम सवाल खड़े करने लगा, क्योंकि मिशन 2024 भी पास में है या फिर रजनीकांत की नई फिल्म रिलीज हुई है उसका प्रमोशन करना है। वजह क्या है रजनीकांत का इस तरह से सीएम योगी से मिलने के पीछे? तमाम सवाल है, तो चलिए आपको जवाब इस रिपोर्ट में देते हैं। बता दें कि साउथ के सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत यूपी के लखनऊ शहर पहुंचे, पत्नी लता रजनीकांत भी इन्हीं के साथ मौजूद थी। दरअसल रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। जब से रिलीज हुई है ऑडियंस के सिर से इस फिल्म का फितूर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 साल बाद रजनीकांत ने बड़े पर्दे पर वापसी की है, ये धमाकेदार होनी लाजमी रही। अब क्योंकि जेलर हिट हो गई तो ऐसे में रजनीकांत 4 धाम यात्रा और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए घर से कुछ दिनों पहले रवाना हुए थे। रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद सीधा लखनऊ पहुंचे, वहां पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। इस दौरान रजनीकांत की फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। दोनों ने साथ में बैठकर फिल्म देखी, लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो के आयनॉक्स मेगाप्लेक्स में फिल्म देखी। इसके बाद रजनीकांत सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके रेजिडेंस पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, रजनीकांत सीधा गाड़ी से उतरकर मुख्यमंत्री के पैर छूते नजर आए। इस मुलाकात के दौरान रजनीकांत भावुक हो गए, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक संत मानते हुए उनके चरण छुए। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें ऐसा करने से रोका, मालूम हो रहा था कि रजनीकांत उम्र में सीएम योगी से बड़े हैं। रजनीकांत की उम्र 72 साल है जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्र 51 साल है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम के पैर छूने की वजह उनका संत होना है। ये तस्वीर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लोगों ने रजनीकांत के संस्कारों के साथ सीएम के एक संत होने से इसे जोड़कर देखा। इसकी तारीफ में यूजर्स ने ट्वीट किए, रजनीकांत को एक संस्कृति को मानने वाला नायक बताया। रजनीकांत की जेलर का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसकी कमाई की अगर बात करें तो पहले दिन 48.35 करोड़, दूसरे दिन 25.75 करोड़, तीसरे दिन 34.3 करोड़, चौथे दिन 42.2 करोड़ और पांचवें दिन 23.55 करोड़, छठे दिन की बात करें तो 36.5 करोड़ और सातवें दिन की बात करें तो 15 करोड़ और आठवें दिन 10.2 करोड़ की कमाई करके पहले हफ्ते में 235.85 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो जेलर अब तक टोटल 426.7 करोड़ की कमाई कर चुकी है। ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। वैसे इस आंकड़े को देखकर रजनीकांत भी बेहद खुश हैं। फिलहाल इस वायरल तस्वीर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।